दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि होस्टिंगर पे अगर आप होस्टिंगर आप बाई कर लिए हैं, अगर आपको नहीं पसंद आता है, आपका उसको रिफंड चाहते हैं अपना पैसा, तो कैसे आप लोग रिफंड पॉलिसी के लिए, आप लोगों को पता ही होगा 30 दिन का मनी बैक गारंटी दिया जाता है कि अगर आपको 30 दिन के अंदर नहीं पसंद आता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपका पैसा जो पूरा का पूरा जो है GST सहित जितना कट रहा था सबका सब रिफंड हो जाता है। तो कैसे आप लोगों को क्लेम करना है कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को लाइव दिखलाएंगे इस वीडियो में। उसके पहले छोटी सी आप लोग को जानकारी दे दें कि अगर आप क्लेम कर दिए हैं, हो सकता है आप लोग हमें कमेंट करें कि सर हमने क्लेम कर दिया अभी तक हमारा रिफंड नहीं आया है, तो रिफंड आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं, वो भी बिजनेस डे बोले तो एक तरह से वर्किंग डे जो होता है जिस दिन काम होता है उस दिन, ठीक है। तो 5 से 7 दिन लगता है आपका रिफंड आने में। चलिए अब आप लोग को लाइव दिखलाते हैं कैसे आप लोग को रिफंड पॉलिसी के लिए अपना रिफंड के लिए अपना जो भी है क्लेम करेंगे। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए होस्टिंगर पे आप लोग को रिफंड के लिए अपना क्लेम करने के लिए आपको सिंपल से पहले लॉगिन हो जाते हैं, फिर आप लोग को सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी या पासवर्ड डालकर हम लॉगिन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, होस्टिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे होस्टिंग के क्लिक करने के बाद होस्टिंग पे आपको जो भी एक्टिव होगा यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे मैनेज पे आपको क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके चलना है, सबसे नीचे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डीएक्टिवेट अकाउंट होगा, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए हम डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए इमिडिएटली पे आपको रहने देना है और सिंपल सा आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए सिंगल वेव होस्टिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट योर रिफंड आइटम ऑफ, ये रिफंड करके है, सिंपल सा हम इसको चेक करेंगे तो हमारे आपके केस में जो भी होगा, जैसे डोमेन भी हो प्रीमियम वेव होस्टिंग भी हो, तो दोनों को रिफंड चाहते हैं दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक सिंगल वेव होस्टिंग मैंने दोनों अलग अलग बाय किया था, केवल यहाँ पे 100 हो रहा था। अब इसको हम यहाँ चेक कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा इस वाले चेक बॉक्स को फिल करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लेट्स अस नोन हाउ वी कैन इम्प्रूव, तो यहाँ पे आप कुछ कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डिफिकल्टी ऑफ यूजिंग, मतलब बहुत टफ है यूज करने में, बाकी हम इसको सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करना है आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा स्किप, जैसे स्किप पे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आया। यहाँ पे रिक्वेस्ट रिफंड पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिफंड रिक्वेस्टेड हैज बीन क्रिएटेड। अब यहाँ बैक टू पैनल पे हम चलेंगे, यहाँ से ना अब हमारा जो वेब होस्टिंग था वो डिलीट हो चुका है, मतलब रिफंड के लिए हमने रिक्वेस्ट कर दिया है। बाकी चलिए अब हम यहाँ पे अपना डोमेन हम ओपन करके दिखलाते हैं अपनी वेबसाइट क्या एरर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं 403 का एरर यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग को रिफंड के लिए क्लेम करना है तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को बता दिया कैसे आप लोग को क्लेम करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय।